अनोखे हो गई वाह गई वाह अनोखे हो। रेचर्ड थोड़ी ब्राइट है लेकिन तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जल्दी से रेडी हो जाओ भाई क्योंकि हम डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। ओह कम ऑन भाई, अगर तुम यहाँ ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहोगे तो मेरा वहाँ डिनर में मन नहीं लगेगा। ब्रेकअप का सबसे अच्छा इलाज है पार्टी। चलो चलो लेट्स गो। नील मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं आना। भाई सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं। तुम्हारा मूड ठीक हो जाए बस मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना, जस्ट लीव मी अलोन। ओके भाई आप तो वही करेंगे ना जो आपको ठीक लगता है। मेरे कहने से क्या होगा, मैं चलता हूं। नील आई एम सॉरी। कम ऑन भाई तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। आई जस्ट मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता भाई, इसलिए मैंने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे तो तुम्हारा मूड कुछ ठीक हो जाएगा। एनीवेज आप वही कीजिए जो आपको ठीक लगता है, मैं चलता हूं। रेड शर्ट बहुत बकवास है, मैं ये पहनूंगा। भाई तुम बिना टी शर्ट के चलोगे तो भी चलेगा, बस चलो तो। नाउ गेट रेडी फास्ट, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। यहां सब सेट है देविका, आर यू रेडी? यस स्वीट हार्ट, एब्सोल्युटली रेडी। उस लड़के को तुमने सब कुछ समझा दिया है, मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। ये मौका हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। Hey, listen, लेकिन वो आशा को पहचानेगा कैसे? टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6? या टेबल नंबर 6 विल बी रिजर्व्ड फॉर आशु मेहरा। और तुम कहाँ रहोगे? मेरी नजर सिर्फ मेरे प्यारे भाई पर रहेगी, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारी नई रेसिपी ट्राई करूंगा डार्लिंग। और हाँ कोई भी कंफ्यूजन हो तो डबल चेक कर लेना। आई वॉन्ट नो मिस्टेक्स देविका। डोंट वरी स्वीटहार्ट, नो मिस्टेक्स। लेकिन बाकी लोगों? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपना काम करो स्वीटहार्ट। कहीं फोन पे आपने मेरी बातचीत तो नहीं सुन ली? आई कैन एक्सप्लेन भाई। कोई जरूरत नहीं, मैं समझता हूं। मैं समझता हूं कि अगर तुम किसी लड़की को स्वीट हार्ट कह रहे हो तो जरूर किसी लड़की से बात कर रहे हो। कौन है वो? भाई वो देख, मैंने सिर्फ तेरी आखिरी लाइन सुनी और तब तू किसी को स्वीट हार्ट कह रहा था। बोल कौन है वो? ओ वो भाई कोई नहीं, एक्चुअली वो मेरा स्टॉक ब्रोकर था भाई। यू नो हाउ दी स्टॉक ब्रोकर्स आर, इनफैक्ट आपके आने से पहले मैंने उसे खूब गालियां दी, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि कहीं आपने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। कोई बात नहीं, सुन भी लेता तो शौक नहीं होता। आजकल मुझे कोई भी चीज शौक नहीं करती। ओह कम ऑन भाई, आज हम में से कोई दुखी नहीं होगा, आज हम दोनों भाई मिलकर मजा करेंगे। लेट्स जस्ट सेलिब्रेट। ये भाई ये एक, कम ऑन। अन्नू मासी मुझे राजकुमार की कहानी सुनाओ ना। पिंकी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद नहीं आ रही।
राजकुमार की कहानी सुनाइए ना। अच्छा ठीक है, तुमको कहानी सुनाऊंगी, लेकिन राजकुमार की नहीं, एक लड़के की जिसका नाम था श्रवण। अपने माता पिता से बहुत प्यार करने वाला, उनके लिए हर बलिदान देने वाला। नहीं मासी, मुझे राजकुमार की कहानी सुननी है। सफेद घोड़े वाला, सफेद ड्रेस वाला और साथ में सफेद फूल। ओहो दीदी, सुना दो ना राजकुमार वाली कहानी अगर इसे सुननी है तो। अरे याद नहीं है आपको, जब हम छोटे थे हमें भी राजकुमार वाली कहानियां सुननी अच्छी लगती थी। मुझे तो याद है, बचपन में मैं सपना देखा करती थी कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे और सब कुछ कितना सुंदर होगा। हाय, हर राजकुमार वाली कहानी का अंत सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। ती तू ही इसे राजकुमार वाली कहानी सुना दे, मुझसे नहीं होगा। याद रखना, आशु मेहरा टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 पे बैठा होगा, तुम उसके पास जाके चिपक के बैठ जाना। हो सकता है कि वो तुमसे दूर भागे, लेकिन तुम मत हार मानना। हाँ, और हाँ एक बात याद रखना कि जब सबकी नजर आशु मेहरा पे होगी तो वो ऐसा एक्ट करेगा कि वो आशु मेहरा नहीं है, लेकिन वही आशु मेहरा होगा। हाँ, राइट, गो। कहाँ बैठे? जस्ट होल्ड ऑन भाई, टेबल नंबर 6। I'll just join you. All right. Okay. Excuse me, sir. Anything order? Sir? Excuse me, sir. Anything to order? वो मैं अपने भाई की वेट कर रहा हूँ, so just come in a bit. Okay. Sir, कुछ चाहिए? Nothing. देविका, क्या हो रहा है? Darling, don't worry. On the way. Okay. से ठीक 5 मिनट बाद आप सब यहां आ जाएंगे। Hey you, क्या कर रहे हो ये? आशु मेहरा, लिसन,
मैं आशु मेहरा नहीं हूँ। I know, छोटी बहू। Hey, ओए माँ। मैंने कहा ना तुमसे, मैं वो नहीं हूँ। God, I can see in your eyes. Hey, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं जो कह रहा हूँ? ओए माँ। मैं वो नहीं हूँ। तुम जो भी हो, तुम्हें देखने के बाद मेरा दिल की धड़कन कितना जोर जोर से धड़क रहा है। हाथ लगाकर देखो ना। ओए माँ। Just shut up. मैंने कहा ना मैं वो नहीं हूँ। ओए माँ। चलता है किसी कोने में। Shut up and listen, you दो टके के एक्टर, अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो, समझे? एंड जाकर ढूंढो उसे, समझे? Just go. ओए माँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे ही इतना करीब आ जाए ये जालिम दुनिया, हम दोनों को कभी अलग ना कर सके। डार्लिंग, I love you. तुम्हें मर जाऊं डार्लिंग। छोड़ो ये जालिम, I love you. ऐसा नाइस ही मत कर। हट, ओए माँ। प्लीज, आज मेरे और मेरे प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। I love you. ओए माँ। चलो नील, अजीब जगह लगती है। Let's go. Hi. I think बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। आप लोगों ने जो देखा वो नहीं है और जो है वो देखा ही नहीं। जो हमने देखा वो इस कैमरे में बंद है। मैं भी तो वही कह रही हूँ, जो आपने देखा वो सच नहीं है और जो सच नहीं है उसे कैमरे में बंद करके क्या फायदा है ना। प्लीज ये रोज मुझे दे दीजिए, प्लीज। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं कहाँ से वो पागल लड़का आ गया है ना। और नील, he is so sweet. देखिए, I promise आप लोगों के न्यूज़पेपर के लिए मैं जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा स्कूप दूंगी। प्लीज, पर इस वक्त आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, ये रोल दे दीजिए प्लीज। ओके मैडम, आप जब इतना बोल रही तो आपको ये रोल दे देते हैं। देविका, किसी भी फोटोग्राफर के पास एक भी तस्वीर नहीं बचनी चाहिए। Do you get that? किस बेवकूफ इंसान को पकड़ कर लाई थी तुम? तुमसे कहाँ तक कोई इंटेलिजेंट आदमी होना चाहिए? बेबी, just calm down. You don't worry, मैं हूँ ना। I'll just take care. मैं सारे रोल्स डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। अब क्या होगा? एक रोल्स तो उसके पास रह गए। मैंने सारे रोल्स डिस्ट्रॉय कर दिए। पर देविका, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। एक एक तस्वीर चल जानी चाहिए। Do you get that? हो गया, समझो एक एक फोटो चल गए। बाय। मैडम, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई फाइटर नहीं। आपको बताना चाहिए था ना यहाँ फाइट होने वाला है, वो भी इतना डेंजर आदमी के साथ। पूरा दांत तोड़ दिया। अभी दांत टूटने का पूरे 5,000 रुपए लूंगा मैं। कितनी अजीब बात है चला जी, जब बेटी की उम्र शादी के लायक हो जाती है तो सारी दुनिया पीछे पड़ जाती है कि फटाफट इनके लड़का ढूंढो
डोली में बिठा और विदा कर दो। लेकिन इनके जाने के बाद जो हमारी जिंदगी में सूनापन आता है उसे पढ़ने के लिए कोई नहीं आता। हमें किसी की क्या जरूरत है अनमोल जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए है ना। हाँ जी वो तो है। लेकिन क्या भरोसा ऊपर से कब बुलावा आ जाए। ओ, ओ, चुप ही रही है अनमोल जी, आप भी ना। अजला जी मेरा नाम अनमोल वेदी, अनमोल वेदी बड़ा टीठ आदमी हूँ मैं। अनु और छवि की शादी से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला, कुछ भी कर लो। शुभ शुभ बोलिए अनमोल जी, रब ने अगर चाहा तो हम टिमकी की शादी भी देख कर जाएंगे। अच्छा जी ठीक है, देख लेते हैं वो भी। सोने तो ये है मेरी प्रेम कहानी ब्रो, अचानक शुरू हुई और अचानक खत्म भी हो गई। हवा के झोंके की तरह वो लड़की आई और हवा के झोंके की तरह निकल भी गई। सोचता रहता हूँ कि प्यार, इन्फैटुएशन, अट्रैक्शन, आखिर ये था तो क्या था। पर यार जो कुछ भी था ना बहुत कमाल था। जब तक उम्मीद की किरण थी तब तक सब कुछ बहुत सुंदर था। It was beautiful. पर अब सब खत्म, the end. I'm sorry भाई। No, not at all. I'm not sorry. मैं मानता हूँ मैंने गलती की, मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो पहले किसी और की। But trust me, अगर कोई इंसान कुछ दिन, कुछ घंटे या शायद कुछ पल भी उस लड़की के साथ गुजार देना तो उसकी सारी जिंदगी काफी होगी। कमाल लड़की है यार, जी सुपर्ब। इसका मतलब आज तक आशु एक लड़की से प्यार करता था। उस इडियट देविका ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। इस बात ने तो पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अरे भाई छोड़िए ना, चलो अब घर चलते हैं। या लेट्स गो। आवारगी, ओ, ओ, यार, ये क्यों है, ये, ओ, ये, आ, आ, क्या हुआ पापा जी? पता नहीं सब बाजू में बहुत जोर से दर्द सा उठा, एकदम से लहर सी। एक काम कर मुझे दर्द की गोली लेकर आ जा। अभी लाई। वो इधर नहीं बेटा, फ्रिज पे रखी है, फ्रिज पे। अच्छा ना। ये लीजिए। एक मिनट पापा जी। आ जा। ये लीजिए पानी। एक मिनट। पाँच मिनट में ठीक हो जाएगा, दवाई खा ली है ना मैंने, तू टेंशन मत लिया कर। पापा जी आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई कहाँ है? वो पुत्र वो मैं लानी भूल गया, आज लेके आता हूँ मैं। डॉक्टर ने कहा ना एक भी दिन ब्लड प्रेशर की दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। मैं फौरन आपकी दवाई मोक्ष के हाथ भिजवाती हूँ। मैं ले आऊंगा पुत्र, अपने काम पे जाओ, आप टेंशन मत लो। मोक्ष, मोक्ष
सर। सर नाश्ता रख दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुमने स्कार्फ क्यों नहीं पहना? सॉरी सर। एक और बात कुछ, आज के बाद अंदर आने से पहले नॉक करना, ये अच्छी आदत नहीं है।